नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जैसे आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं शिव संहिता को, और शिव संहिता का सरल हिंदी अनुवाद समझ रहे हैं। उसके गूढ़ ज्ञान को हम एक जन साधारण की भाषा में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो कुंभक था, हमारा जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, उसके ही प्रभाव और आगे क्या सिम्टम और क्या लक्षण होते हैं उस बारे में है। जैसे कल की वीडियो में हमने जाना था कि एक योगी को अभ्यास करना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की हैं, क्या क्या उसको खाना चाहिए, उन सारे नियमों के बारे में हमने जाना था। अब आगे भगवान शिव कह रहे हैं कि जब एक योगी दिन में 4 बार 20-20 कुंभक कर लेता है, यानी पूरे दिन में 80 कुंभक कर लेता है, तो उसके अंदर वायु धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब आपकी लंग्स कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, आपको कम सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा एक सिद्धांत है कि भाई हर व्यक्ति को श्वास जो है गिन के मिले हुए हैं। आप क्रोध में या अपनी वासनाओं में श्वास को तेज लेते हैं, लेकिन जब आप शांत होते हैं तो आप श्वास धीरे लेते हैं। तो एक योगी जो है वो श्वास तो बहुत कम लेता है, इसलिए उसकी आयु जो है बहुत लंबी हो जाती है। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि जब 20-20 कुंभक का अभ्यास आप कर लेंगे 2-3 महीने तक, तो आपके अंदर वायु धारण करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आप कम वायु पर, यानी आपकी जो श्वास है वो बहुत कम हो जाएगी। जो अभी अगर आप 1 मिनट में नॉर्मल 15 से 16 श्वास ले रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी गिनती कम होती चली जाएगी। एक योगी तो कछुए की तरह 3-4 श्वास, जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा उतना कम श्वास लेता जाएगा। तो जब श्वास लेने की श्वास को वायु को धारण करने की, यानी आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपके ऑक्सीजन, आपके पूरे जो प्राण ऊर्जा है पूरे शरीर में होगी। एक टाइप से आप समझ लीजिए अभी आप वायु से जीवित हैं, और वायु के साथ एक प्राण जो तत्व है उस वो आपके अंदर आ रहा है, वो कुछ मात्रा में प्राण आ रहा है। लेकिन एक योगी क्या करता है, योगी वायु के साथ ज़्यादा प्राण को अपने अंदर स्टोर करता है। हमारे जो चक्र हैं वो एनर्जी की बैटरी की तरह हैं, प्राण ऊर्जा की बैटरी की तरह समझ लीजिए। मतलब एक आप अपने आप को एक डिवाइस समझें, और उसमें जो चार्जिंग है वो आप स्टोर करके रखते हैं, तो आपको फिर बाहर से जो चार्जिंग लेने की ज़रूरत है वो बहुत कम पड़ती है। तो एक योगी को जो वायु की ज़रूरत है वो बहुत कम पड़ती है, और धीरे धीरे उसका जो कुंभक है वो सिद्ध हो जाता है। जब वो काफ़ी देर तक, शुरुआत में जैसे मान लीजिए आप होल्ड करेंगे श्वास को, तो कुछ देर तक होल्ड होगा, वो 5-10 सेकंड होगा, 20 सेकंड होगा, धीरे धीरे वो मिनटों में जाएगा। तो ऐसे कहा है कि जैसे जैसे वो जो कुंभक की अवस्था बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे योगी की जो सिद्धि है वो बढ़ती चली जाएगी। और आखिर में जब कुंभक सिद्ध हो जाएगा, जब प्राणायाम की साधना पूरी हो जाएगी, तो योगी वायु तत्व के ऊपर जीत हासिल कर लेगा। एक टाइप से वायु सिद्धि उसको हो जाएगी। तो इस प्राणायाम के अभ्यास के दौरान, इस कुंभक के अभ्यास के दौरान भगवान शिव कह रहे हैं कि कुछ सिम्टम होंगे। जैसे हमने कहा, दो तीन महीने अगर आप अभ्यास करेंगे अच्छे से, तो आपको जो आरंभ अवस्था होगी, आरंभ अवस्था में जो सिम्टम बताए हैं वो योगी के शरीर में क्या होंगे, तो भगवान शिव ने कहा है कि जब आरंभ अवस्था में का जो प्रथम अवस्था जो है, पहली फर्स्ट स्टेज जो है, जब प्राणायाम सिद्ध होगा पहली स्टेज का, तो योगी के शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, स्वेद उत्पन्न होगा। और कहा है कि ये जो स्वेद है, जब प्राणायाम से जो स्वेद यानी जो पसीना निकलेगा, वो ये पसीना नहीं है जो टॉक्सिन्स वाला है, वो आपका ओज तेज वाला पसीना है। तो उसके लिए भगवान शिव ने कहा है कि जब वो पसीना निकले तो योगी को चाहिए कि उसे वो अपने शरीर पर मल ले। अभी तो जो पसीना निकलता है, हम उसकी क्या सलाह दी जाती है कि वो टॉक्सिन्स हैं उसको साफ़ कर लेना चाहिए, उसको पोंछ लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ भगवान शिव ने कहा है कि जब वो प्राणायाम से जो पसीना निकलता है वो ऊर्जा ही है एक प्रकार की, उसको अपने शरीर पर मल लेना चाहिए। उसको मलने के लिए कहा, उसकी मसाज करने के लिए कहा है। अगर उस पसीने को आप पोंछेंगे तो भगवान शिव ने कहा उससे धातु कमज़ोर होती हैं, धातु जो सप्त धातु हैं आपके अंदर, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे 7 धातुएं हैं। वो 7 धातुएं यानी जो शरीर का आधार हैं,
वो सेवन एलिमेंट जिसकी वजह से बॉडी स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, वो मतलब आपके धातुएं जो हैं वो उनका जो अनुपात है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है और वो धातुएं आपकी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो प्राणायाम के जो बाद जो भी पसीना निकले या योगाभ्यास के बाद जो पसीना निकले उसकी मसाज करनी चाहिए, उसको शरीर पर मलना चाहिए, ऐसा भगवान शिव ने कहा है शिव संहिता में। उसके बाद कहा है कि जब प्रथम अवस्था हो गई तो जब द्वितीय अवस्था में कुंभक की प्राणायाम करते करते, मान लीजिए आपने 2-3 महीने अभ्यास कर लिया, आपकी प्रथम अवस्था हो गई, आपको पसीना आने लगा, अच्छा कुंभक काफ़ी देर होने लगा आपका, आगे समय भी आएगा कि कितनी घड़ी कितने घंटे कितने मिनट तक करने से क्या होगा, उसके परिणाम भी आगे आएंगे, लेकिन अभी पहले स्टेज में पसीना। और जब दूसरी स्टेज आएगी तो भगवान शिव ने कहा है कि आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाएगा, एक योगी के शरीर में कंपन होना शुरू हो जाएगा, कांपना शुरू हो जाएगा जब कुंभक होगा, जब आपने कुंभक किया हुआ है तो उस दौरान शरीर में कंपन होगा और शरीर मेंढक की तरह उछलना शुरू हो जाएगा। आपने कभी अगर देखा हो कोई योगी, कई योगियों को देखा हो या कई जगह जहां प्रॉपर तरीके से अभ्यास किए जाते हैं, मैं इन अभ्यासों की बात नहीं कर रहा, ये जो हमें जो अभ्यास सिखाए गए हैं योग के, ये सिर्फ सेहत को यानी हेल्थ को सेंटर में रख के ही सिखाए गए हैं। उच्च अवस्थाएं जो हैं वो योग की, वो गुप्त रखी गई हैं, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सीखी जाती हैं। तो कहा कि जब सेकंड स्टेज आती है, कई जगह आपने वीडियोज़ में या कई जगह देखा होगा शरीर कांपते हैं योगियों के प्राणायाम के दौरान, प्राणायाम या ध्यान के दौरान कंपन होती है, शरीर उछलना शुरू हो जाता है, मेंढक की तरह उछलना शुरू हो जाता है। पीछे कोई एक योगी भी था जो लेविटेशन के लिए, शायद महेश योगी ही थे या कोई दूसरे योगी थे, वो लेविटेशन के लिए प्राणायाम कराते थे, तो उनकी जो करने वाले थे उनका शरीर जमीन को छोड़ना शुरू करते थे, उछल उछल के वो मेंढकों की तरह इधर उधर कूदते रहते थे। तो वो इसमें बताया हुआ है कि जब सेकंड स्टेज प्राप्त होगी प्राणायाम की कुंभक की, तो शरीर उछलना शुरू हो जाएगा हवा में। उसके बाद कहा है कि जो तीसरी अवस्था जब प्राप्त होगी, तो शरीर पहले तो उछल रहा था सेकंड स्टेज में, लेकिन तीसरी अवस्था जब प्राप्त होगी प्राणायाम की, जो हमने 4 अवस्थाएं कही थी ना, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, सुपर एडवांस लेवल, तो जब सुपर एडवांस लेवल होगा फिर वो शरीर उछलेगा नहीं, वो शरीर हवा में उठ जाएगा। जो पद्मासन में बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं वो शरीर हवा में उठना शुरू हो जाएगा और बिना किसी उछल कूद के, बिना किसी कंपन के स्थिर होकर हवा में उछल जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, मतलब ग्रेविटी अपना काम करना छोड़ देगी। और तब आपको समझना चाहिए कि आपको वायु तत्व की सिद्धि हो चुकी है, वायु तत्व की सिद्धि हो चुकी है। और कहा है कि ऐसे योगी की को पाने योग्य या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहती जो उसको प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी मनोकामनाएं अनायास ही, जैसे ही आपका कुंभक सिद्ध होना शुरू होगा, आपके अंदर प्योरिटी आनी शुरू होगी, तो आपके अंदर देव गुण बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया था पहले एक वीडियो में कि आपकी जो डिवाइन एनर्जीज हैं, यानी जो ये एलिमेंट हैं 5 एलिमेंट, ये आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। आपने जो ग्रंथों में पढ़ा होगा, किससे कहानियों में सुना होगा कि किसी योगी ने कहा बारिश को कि बारिश रुक जा, तो बारिश रुक गई, किसी ने कहा बारिश हो गई, हो जा, तो हो गई। वो 5 एलिमेंट जो हैं वो, क्योंकि वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, वो कंट्रोल में हो जाते हैं। लेकिन वो कंट्रोल ऐसा कंट्रोल नहीं होता कि हम जैसे कंट्रोल करना चाहते हैं, हम जैसे कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरे व्यक्तियों के माइंड को, हम कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने चाहते, हम तो अभी छोटे बच्चे हैं, हमें पता नहीं है। लेकिन जब योगी जो है प्रकृति के साथ अपनी इतनी हारमनी साध लेता है, उसके साथ एक लय साध लेता है, तो जो भी उसके मन में जो विचार आता है, जो भी वो बोलता है, वो सत्य सिद्ध होती है और प्रकृति भी वैसा ही बिहेवियर करना शुरू करती है। लेकिन वो ये सारी चीज़ें किसी डेमोंस्ट्रेशन के लिए नहीं करता, वो किसी टीवी पर आने के लिए नहीं करता, इस चीज़ का ध्यान रहे। जो सिद्ध योगी, ऐसे योगी आज भी उपलब्ध हैं इस भारत भूमि पर, लेकिन वो कभी वो उनको प्रचार प्रसार, उनको कोई शिष्य बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपना काम करते हैं गुप्त तरीके से। ये सारी चीज़ें अभी भी अवेलेबल हैं, इनको ये नहीं समझना चाहिए कि लिखी थी 5000-10000 साल पहले, अब नहीं है। आप योगी का जीवन परिचय पढ़ लीजिए, उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, बहुत इंग्लिश राइटर्स की बुक भी हैं, उनको पढ़ लीजिए। आप गुप्त भारत की खोज एक किताब है, उसको आप पढ़ लीजिए, वो इंग्लिश राइटर ने
पॉल ब्रंटन है शायद राइटर, उन्होंने लिखी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिए। उसमें भारत की योगियों के बारे में बताई हुई है, और जो सिद्धियाँ आजकल चली हुई हैं, जो आजकल अभी भी समाचारों में और न्यूज़ में चली रहती हैं सिद्धियाँ, ये कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी सिद्धियाँ हैं ये योग में, ये बताई हुई हैं। इसमें भी ये बताया है कि जब हवा में शरीर उठ जाएगा तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। एक योगी के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कहा है भगवान शिव ने कि जब वायु सिद्धि हो जाएगी और जब शरीर ऊपर उठ जाएगा, जब उसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, तो भगवान शिव ने क्या कहा है ऐसे योगी के लिए, उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी बाधा है, यह जो सिद्धि है ये एक बहुत बड़ी बाधा है। इसको बाधा की तरह कहा, इसको कोई अच्छी बात नहीं कहा कि हवा में उड़ने लगे तो अब आप हो गए भगवान, ऐसा नहीं कहा है। कहा बाधा है, इसमें सावधान रहना चाहिए, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए। मतलब सिद्धियों को जो है योग में बाधक तत्वों में काउंट की गई हैं, वो कि वो होती हैं, उनको उनका उपयोग नहीं करना होता, उनको इग्नोर करना होता है। उसके बाद कहा है कि फोर्थ स्टेज जब होती है, जब तीसरी स्टेज, जब हवा में शरीर उठना शुरू हो जाता है, तीसरी स्टेज के बाद भगवान शिव ने कहा है अब जो यम और नियम जो पहले बताए थे, खाने पीने के नियम बताए थे, जो सारी चीज़ें जो नियम बताए थे, अब वो कोई ज़रूरी नहीं है उनका पालन करना, अब वो योगी के लिए ज़रूरी नहीं है, अब वो उनसे ऊपर उठ चुका है। अब उसका मन करे तो वो खाए, नहीं मन करे तो ना खाए, मन करे तो ज़्यादा खाए, मन करे तो कम खाए। और कहा भगवान शिव ने अब भोजन करने की जो इच्छा जो है बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। इस अवस्था में भोजन नाम मात्र का ही ज़रूरत होती है, और मल मूत्र त्याग और भोजन जो है वो उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती इस थर्ड स्टेज के बाद। और कहा है वो पूर्व बताए हुए सारे नियम अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है उनको फॉलो करने की, आप उन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेज में कहा है कि जब फोर्थ स्टेज प्राप्त होती है योगी को, जो लास्ट स्टेज है कुंभक की, यानी जो प्राणायाम की जो आखिरी अवस्था प्राप्त होती है, तो उसमें कहा है कि उसमें भूचरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भूचरी सिद्धि जो है वो उसमें बताया हुआ है कि भूचरी सिद्धि ऐसी सिद्धि है कि अगर वो योगी किसी, इसमें जो लिखा है वही एज इट इज़ आपको बता रहा हूँ, कि एक अगर वो योगी अगर किसी सिंह को, शेर को या हाथी को भी एक थप्पड़ मार दे तो वो भी मर सकता है, इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है योगी को, इतना इतनी प्राण ऊर्जा उसके अंदर स्टोर हो जाती है। और प्राण ऊर्जा जिसके अंदर स्टोर होगी तो शरीर कमज़ोर है या दिखने में तगड़ा है वो मैटर नहीं करता, जिसके अंदर प्राण ऊर्जा रहती है उसकी वाणी में भी बल होता है। अगर उसने कुछ बोल दिया तो वो श्राप हो जाता है, अगर उसने अच्छा बोल दिया तो वो वरदान हो जाता है, वो सारा खेल प्राण ऊर्जा का ही है। तो इसलिए पुराने हम अपने महाभारत किस्से कहानियों में पढ़ते, किसी ने वरदान दे दिया, किसी ने श्राप दे दिया, तो बड़े देवताओं को भी माफ़ी मांगनी पड़ती थी क्योंकि उनका जो तपोबल था वो इतना ज़्यादा होता था। तो कहा है भगवान शिव ने कि जब ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, जो फोर्थ स्टेज की भूचरी सिद्धि जब प्राप्त हो जाए, यानी इतनी ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो जाए कि आप हाथी शेर को भी मार सकते हो, तो उस दौरान भगवान शिव ने कहा है ऐसी अवस्था में बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए, और कहा है कि एकांतवास में चला जाना चाहिए, दुनियादारी को छोड़ के एकांतवास में चला जाना चाहिए, और ओम का जाप करना चाहिए, परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। ओम का जाप करने के लिए कहा है, उस विघ्न को हटाने के लिए, विघ्न कहा है इस चीज़ को कि आपके शरीर में इतनी शक्ति आ गई है कि अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया तो पूरा हो जाएगा, आपने किसी को मार दिया तो मर जाएगा। तो कहा है कि ऐसी अवस्था में एक योगी को एकांतवास में चला जाना चाहिए और ओम का जाप करना चाहिए, लगातार प्रणव का जाप करना चाहिए, और उस परमात्मा में अपना ध्यान लगाना चाहिए, और अपने कर्म संस्कारों को काटने के बारे में सोचना चाहिए। हम होते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसका दिखावा करने की सोचते हैं। एक आम इंसान जो सोचता है कि अगर मैं उस अवस्था तक पहुंच जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो तभी नहीं पहुंच पाता, उस वजह से, उसी लालच की वजह से वो कभी पहुंच ही नहीं पाता उस अवस्था तक। और जो योगी पहुंचते हैं वो क्यों हिमालय में चले जाते हैं, हम भी कई बार सोचते हैं या हम कोई किताब पढ़ते हैं कि नागा बाबा, बड़े बड़े सिद्ध जो रहते हैं वो हिमालय में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, सामान्य इंसानों से दूर रहते हैं, क्यों रहते हैं? कभी हमने सोचा? वो इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उनकी साधना में बाधा है वो, और जो हमें चमत्कार लगते हैं, जो हम यहाँ उनको गद्दियों पर बैठा देंगे, उनको पकड़ के, उनकी साधना बाधित हो जाती है, और जो चमत्कार दिखाते हैं वो साधक नहीं रहते फिर आगे, वो
वो बस उसी स्टेज पर जाके अटक जाते हैं। तो यहाँ भगवान शिव ने कहा है उनसे एकदम उन इन सारे विघ्न कहा है सिद्धियों को विघ्न, कि इस विघ्न को पार पाने के लिए एकांत वास करना चाहिए और ओम का जाप करना चाहिए, परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए और अपने कर्म संस्कारों को काटने के बारे में चिंतन करना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए उसके लिए। उसके बाद कहा है कि ऐसे योगी के शरीर में मल मूत्र की कमी हो जाती है, भूख की कमी हो जाती है, खाने की कोई खास ज़रूरत रहती नहीं क्योंकि वो प्राण तत्व से ही ऑपरेट होना शुरू हो जाता है, प्योरिटी एकदम डिवाइन फॉर्म आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद उसमें जो वात पित्त कफ हैं, जो तीन दोष हैं शरीर के, वो कुपित ही नहीं होते ऐसे योगी के। उसकी धातुएं बिल्कुल असंतुलित होती ही नहीं, उसके शरीर में कफ नहीं बनता, उसके शरीर में जो स्वेद, जो पसीना, जो टॉक्सिन्स वाला जो पसीना है वो आता ही नहीं, आता है तो उसमें से खुशबू आती है, अच्छी खुशबू आती है, उसमें बदबू नहीं आती, शरीर में दुर्गंध आनी बंद हो जाती है ऐसे योगी के, वो डिवाइन फॉर्म धारण कर लेता है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की सिद्धियों की बात चल रही है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चमत्कार हम देखते हैं, जिन बाबाओं की हम पूजा करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर के योगी ही हैं, लेकिन वो उन सिद्धियों के चक्कर में हम उनको भगवान बना देते हैं और वो भगवान बन जाते हैं, तो उनकी साधना वहाँ पर बाधित हो जाती है। और जितने भी धर्म बने हैं, जितने भी पंथ बने हैं, संप्रदाय बने हैं, या छोटे से लेके जो छोटे छोटे कल्ट बने हैं, वो सब चीज़ें योग की माया, ये योग का एक प्राणायाम हमने सीखा, अभी जो मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ सिर्फ एक नाड़ी शोधन का अभ्यास करने की का परिणाम है, और बाकी की चीज़ें तो अभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली हैं। तो इसी योग बल के आधार पर ये सारे धर्म संप्रदाय, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, पता नहीं क्या क्या बन चुका है, इनका छोटा सा एक छोटी सी चीज़ ये अभ्यास करते हैं और उनको उसको बस वो लगन के साथ करते हैं और एक ही वही रास्ता खोल देता है उनके जीवन का। तो इससे भगवान शिव ने ध्यान रखने के लिए कहा है कि अपने मुक्ति के बारे में सोचना चाहिए ऐसे टाइम पे योगी को, उनमें बहना नहीं है उन चमत्कारों में या उन सिद्धियों में। तो इस प्रकार कहा है कि जब प्राणायाम की थर्ड फोर्थ स्टेज के बाद योगी को करना, तो शरीर बीमार होता है ना, उसको भूख लगती ना उसको प्यास लगती है, और वो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है और उसके अपने कर्म संस्कारों को निश्चित रूप से, अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को, इस जन्म के संस्कारों को पूरी तरह से न्यूट्रल कर देता है और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू होता है। तो ये इस कुंभक, जो कुंभक अभी तक हमने, जो श्वास को रोकने की जो तकनीक हमने अभ्यास की थी या सीखी थी, उसके परिणाम भगवान शिव ने यहाँ तक बताए हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है अपनी साधनाओं के बारे में। तो जब भी आप, अगर ईमानदारी के साथ, मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी के साथ भी प्राणायाम का अभ्यास में ईमानदारी के साथ बिना बातचीत की एक योगी की तरह एकांत में बैठ के अगर आपने कर लिया, तो आप 2-4 महीने भी कर लेंगे, सिंपल आप नॉर्मल प्राणायाम कर लीजिए, तो आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आप अब हैं। आपकी साइकोलॉजी में, आपकी फिजियोलॉजी में, आपके इमोशनल लेवल पर बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने की, और ये कब होंगी, जब निरंतर अभ्यास किया जाएगा, दीर्घ काल तक अभ्यास किया जाएगा, उस अभ्यास में श्रद्धा भाव रखते हुए। अभी हमारे लिए योग हो गया है एक छोटी सी चीज़, अभी हमारे लिए योग हो गया कोई मार्केट में मिलने वाला कुछ सामान, कहीं 1,500 रुपये दिए और हमने योग कर लिए, 1,500 रुपये भी कोई बोल दे कि 2,000 रुपये फीस है तो कहते नहीं नहीं जी 500 रुपये में तो वो करवा रहा है, सब्जी मंडी हो गई है हमारे लिए योग। ये तो मैं ये जो परिणाम बताएं तो एक योग के एक प्राणायाम का परिणाम है। अगर उसको साध ले कोई 3-4 महीने तक ईमानदारी के साथ एकांतवास में, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो खुद के साथ, खुद के द्वारा किया गया प्रयास है खुद के लिए, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, वो कोई प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है। तो जो एक व्यक्ति अगर कर लेता है ईमानदारी से नाड़ी शोधन को भी, उसके बहुत सारे दुख दूर हो जाते हैं, फिर उसके जीवन में दुख रहेंगे ही नहीं। आपके जीवन में जो दुख हैं वो आपके कर्मों की वजह से हैं। ये ध्यान रहे, जो भी अभी योग के साधक हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं या साधना कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, भगवान का, भाग्य का, किस्मत का, प्रकृति का, या इस आपके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में आपको दुखी करने वाला कोई भी नहीं है।
हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि भगवान कोई ऊपर बैठा हुआ है कंप्यूटर लेके और हमारा बटन दबा देता है कि अब इसको दुखी करते हैं चलो। ऐसा नहीं है, हम खुद ही दुखी हो रहे हैं अपने कर्मों की वजह से, प्रारब्ध के कर्मों की वजह से या जो अब कर्म कर रहे हैं उनकी कर्मों की वजह से, हम खुद ही दुखी हो रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने ये अभ्यास सीख लिया, मैंने आपको बता दिया, पुस्तक में लिख दिया, मैंने आपको समझा दिया और आप नहीं करेंगे और आप दुखी होते रहें, तो आप ही तो कारण हुए। आपने करना शुरू कर दिया तो उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा आपको। तो इस प्रकार से हम अपने दुखों का स्वयं ही कारण है। और भगवान शिव ने एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच दी है, कोई मानना नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, एक तरीका दे दिया कि ऐसे करो। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। साधक जो हैं बहुत, अभी जैसे हम YCB लेवल 2 में पढ़ रहे हैं कर्म योग, ज्ञान योग, साधक जो है उसके स्तर हैं अलग अलग। कोई उत्तम साधक है, कोई मध्यम साधक है, कोई अधम साधक है। योग का जो अभ्यास है वो अधम से अधम साधक को, जीरो से जीरो साधक, साधक का मतलब एक आम आदमी, उसको भी उठा के वो सिद्ध बना सकता है। ज्ञान योग तो हो सकता है समझ में आए ना, कोई अनपढ़ हो, कोई ना समझ में आए उसको, इतनी फिलोसफी ना समझ में आए, हाँ किसी ने पूर्व जन्म के कर्म हैं, संस्कार हैं, किया हुआ है तो उसको तुरंत समझ में आएगा वो ज्ञान योग। तो सारे योग सबके लिए नहीं बने, लेकिन हठ योग जो भगवान शिव ने बताया, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच। जैसे डॉक्टर, जैसे आपके सिर में दर्द हुआ, आपके एक तरीका तो ये है कि आपके सिर में दर्द हुआ तो आपको समझाया जाए कि भाई क्यों हुआ, आपके पेट में गैस बनी, आपने स्ट्रेस लिया, क्यों लिया, चिंता मत करो। एक बात तरीका तो ये है फिलोसफिकल कि आपको समझाया जाए, फिर कहीं आपको रिलैक्सेशन आएगा कि हाँ मेरी वजह से ही हुआ दर्द। और डॉक्टर क्या करता है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक दवाई लिखता है, मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हो, दवाई पेट में गई, केमिकल ने काम किया और आपका सिर दर्द ठीक। तो इस हठ योग की प्रक्रियाओं को इसी प्रकार से समझना चाहिए कि भगवान शिव ने समझा दिया सारा सिस्टम कि ऐसा ऐसा है, अब क्या, अब ये उपाय है, अब इस नाक से सांस लो, ऐसे होल्ड करो, ऐसे निकालो और दिन में इतनी बार करो, दो महीने में ये होगा, तीन महीने में ये होगा, दूसरी स्टेज में ये होगा, तीसरी स्टेज में ये होगा, सब कुछ बता दिया, एक रोड मैप दे दिया आपको। अगर हम फिर भी ना करें तो हमारी ही मूर्खता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ये अभी नाड़ी शोधन का प्रभाव समाप्त होकर अब आगे कुछ अभ्यास शुरू होंगे तो उनकी चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। ये ज्ञान जो है आप शेयर कर सकते हैं और किसी एक व्यक्ति को समझ में आ जाए, किसी एक व्यक्ति को, वही काफ़ी है। जरूरी नहीं है हर किसी को, कोई तो पहले 2-3 मिनट तक देख ले वो भी एक बड़ी बात है, 20 मिनट तक, 25 मिनट तक कोई देख ही नहीं पाएगा। अगर किसी के संस्कार हैं और किसी का वो बीज पड़ा हुआ है उसके अंदर, उसके मन में, तो ये उसको जागृत करने का काम ये वीडियो कर सकती है। तो आप शेयर कर दें, अगर आपको कोई लगता है ऐसी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है और कोई देख लेगा तो आप उनके साथ शेयर करें। और कोई सुझाव है या आपने कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, साधना से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उनका भी समाधान करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।